सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है कृतिका कुमार और मैं पन्नीवाला इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रही हूँ। और आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। शिक्षा के अंदर COVID-19 का अब क्या महत्व है, किस तरह से हमारी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है COVID-19 की वजह से, तो आज हमारे साथ हैं तीन यहाँ की सिरसा की बहुत बड़ी हस्तियाँ। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर यदुवर वर्मा जी का, जो कि रिटायर्ड DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, एंड ही हैव वर्क्ड इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करती हूँ यहाँ। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी है, एंड इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं साइकोलॉजी पे। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अंजू जी का, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू शर्मा, जिन्होंने पिछले 16 सालों से बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एज डायरेक्टर प्रिंसिपल काम किया है, और इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं और अब एक नॉवल भी लिख रही हैं। तो मैम मैं आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है एजुकेशन की आज के टाइम में COVID-19 की वजह से। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की मनोस्थिति रहने वाली है बच्चों की, जैसे आज के टाइम में आप COVID-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एजुकेशन में हम फेस कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी का नया प्रचार आया है, अब फिर से हम जैसे कि मोदी जी बहुत टाइम से कह रहे थे डिजिटल इंडिया के बारे में, तो फाइनली अब डिजिटल इंडिया आ गया है, लेकिन क्या ऐसी कुछ चीज़ें आप बताएंगे कि इसके हमारे को फायदे तो हुए हैं लेकिन नुकसान किस तरह के आ रहे हैं, किसी मनोस्थिति होगी बच्चों की जब वो वापस स्कूल में आएंगे, और इस पोस्ट कोविड किस तरह की सिचुएशन होगी? जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम रहेगी कि छोटा बच्चा जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेज का पता नहीं है। छोटा बच्चा जो है आई साइट पे उसके असर पड़ेगा जो ही वो मोबाइल को देखेगा, क्योंकि मोबाइल की जो रेडिएशन है वो बहुत बुरा असर जो है हमारी बॉडी पे डालती है, और छोटा बच्चा जो है उसको पता नहीं है कि मोबाइल को कितनी दूर लेके बैठना है, कितनी देर एक बच्चा जो है लगातार नंगी आँख से उसको देखे, और कितनी देर जो है वो उसको फेस करे, कितनी दूरी से कितना उसका उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितनी उसकी लाइट जो है वो होनी चाहिए। तो छोटा बच्चा जो है उससे बड़ा असर पड़ेगा। बड़ा बच्चा जो एबिचुअल है, जो मैच्योर बच्चा है, जो नाइन्थ ऑनवर्ड के बच्चे वो उससे फायदा भी उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो बच्चे 95% बच्चे जो है वो SC और BC कैटेगरीज के जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। जब स्मार्टफोन है ही नहीं तो बच्चा जो है स्टडी कैसे करेगा? अगर स्मार्टफोन खरीदना पड़ता है एक पेरेंट्स को, तो कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो 10,000 से कम आता हो। पेरेंट्स इस बात के लिए जो है वो फोर्सली बच्चा उनको फोर्स करेगा या टीचर जो उनको फोर्स करेंगे कि हम हमारे बच्चों को जो है वो मोबाइल जो है उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो पेरेंट्स की मजबूरी होगी मोबाइल खरीद के देना, और इससे उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन होगी। सर आप बताइए कि आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, और मनोवैज्ञानिक आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप साइकोलॉजी के बारे में क्या, इस चीज की किस तरह की साइकोलॉजी बच्चों की क्रिएट होने वाली है कोविड पोस्ट COVID-19, और पेरेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहेगी कि किस तरह बच्चों को हम स्कूल भेजें नहीं भेजें, या अब आप तो जानते हैं कि फीस के बहुत ज़्यादा पेरेंट्स सब कह रहे हैं कि अच्छा है कि फीस नहीं लगेगी और सभी की डिमांड है कि फीस नहीं लगनी चाहिए, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इस चीज़ पे कैसे रोशनी डालेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मेरे साथी मेरे साथ आज बहुत ही शिक्षाविद बड़े महान शिक्षक बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का जो इस समय ये सब सुन रहे हैं। आज की जो बातचीत है वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बिजनेसमैन के लिए या जॉब वाले या दूसरे लोगों के लिए मुश्किल का समय है, जहां पूरी दुनिया पूरी मानव जाति इससे प्रभावित हो रही है, वहां पे शिक्षा जगत भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और हमारे संकट बहुत बड़े हैं। हमारा संकट सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तीन तरह के इसके पिलर्स हैं, तीन स्तंभ हैं, एक स्कूल है, एक बच्चे हैं, एक टीचर्स हैं। तीनों की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं और बहुत मुश्किल में हैं तीनों। अगर हम बात करें सबसे पहले टीचर की बात करें,
तो ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे टीचर साथी हैं जिनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, जिन्होंने कभी आज तक ऑनलाइन कभी लेक्चर नहीं दिया था, जिन्होंने इस तरीके की हाई टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को कभी इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे टीचर हैं हमारे पास। उन टीचर्स को जब ये पता चला कि उन्होंने घर से बैठकर बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी महानता वाली बात है कि हमारे टीचर साथियों ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान ही अपने आप को इतना अपडेट कर लिया कि वो टीचर्स ने घरों में बैठकर बच्चों को या तो PDF फाइल भेजी, या YouTube के लिंक्स भेजे, या उनको ऑडियो भेजी, या कोई वीडियो बना के भेजी। टीचर्स ने अपने तरीके से, पूरी तरीके से करने की कोशिश की। ये उनके लिए एक संकट भी था और उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी भी थी, और इसके अंदर बहुत सारे टीचर बहुत कामयाब भी हुए। दूसरा हमारा जो स्तंभ है वो है स्कूल। अब स्कूल की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ गई है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये आ गया टीचर्स के, भाई हमने तो इनको फीस भी नहीं देनी है। तो एक ये भी स्कूलों के लिए बहुत संकट वाली बात होगी, क्योंकि जो टीचर हैं उनको तनख्वाहें देनी है, सरकार की ओर से आदेश है कि सभी एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी है, लेकिन वो तनख्वाह आएगी कहां से? वो आती थी फीस से। अब चूंकि बच्चे स्कूलों में जा नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन तक फीस इकट्ठी नहीं हो रही है, तो वो टीचर्स को तनख्वाह कैसे देंगे? तो स्कूल वालों के लिए भी एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक एक किस्म से डायलेमा हो गया, बहुत सारी ऐसे असमंजस की स्थिति हो गई कि अब वो क्या करें। क्योंकि एक महीना तो हो सकता है कि स्कूल वालों के पास इतने फंड हो कि वो एक महीने की तनख्वाह तो टीचर्स को दे देंगे, लेकिन अगला महीना, और अभी हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये आखिर ये स्थिति चलेगी कब तक। और तीसरी जो स्तंभ है वो है हमारी स्टूडेंट्स। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सबने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास गांव के अंदर बिजली भी उपलब्ध नहीं होती है, उनके फोन भी चार्ज नहीं होते, इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक बहुत हैरानी की बात बताने वाला हूं कि इंसान इसलिए मनुष्य है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी इवॉल्व करता है, विकास करता है अपने आप का। ये हमारा इतिहास बताता है, चाहे वो 16वीं सदी में इस तरीके की महामारियां आई, 18वीं 19वीं शताब्दी में आई, 1920-21 में आई, चाहे हमारी आर्थिक मंदी 1930 की हमने मतलब देखी हो, चाहे 1945 का हमने दूसरा महायुद्ध देखा हो, आदमी जब भी निकला है मुसीबतों में से वो शानदार बन के निकला है। आज भी मेरे को मनोविज्ञानी होने के नाते ये भरोसा है कि जब हम सब लोग इसमें से निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरी टीचिंग कम्युनिटी, पूरा एजुकेशन सिस्टम एक इवॉल्व होके नए ढंग से निकलेगा। आज की तारीख में बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसी भावना भी पैदा हुई कि अगर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है तो गांव के दूसरे बच्चों के पास है, तो वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सहायता करके वो ये काम कर रहे हैं। तो मेरे बतौर मनोवैज्ञानिक में ये बड़ी पॉजिटिव एक मेरे मन के अंदर वेव आ रही है कि जब हम लोग इसमें से निकलेंगे तो हम पहले से ज्यादा शानदार होकर निकलेंगे। अगर इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सभी काम करें इस महामारी के वक्त, तो शायद हमें ये जो है महामारी अफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो अब हम डॉक्टर अंजू जी से बात करते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप बहुत से स्कूल्स में एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज प्रिंसिपल डायरेक्टर आपने काम किया है, तो आप ये बताइए कि किस तरह के मेजर्स हम उठा सकते हैं बाद में, क्योंकि बच्चों को ये एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करना है, कैसे उन्हें मास्क यूज़ करना है, कैसे स्कूल्स के अंदर पोस्ट कोविड हमें बिहेव करना है, क्योंकि बच्चों बड़े तो ये चीज़ आज के टाइम में, वैसे तो बड़े भी बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से प्यार से डील कर कर ये समझाना, बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेशन आप किस तरह के मेजर्स उठाना चाहेंगे? का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आज जिस परिस्थिति में, जैसे पुरी जी ने या जी ने इस बात को बहुत बखूबी बताया कि आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आने वाला भविष्य तो अच्छा होना है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज की बात हम सब कर रहे हैं, कल भविष्य अच्छा होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा? मैं डॉक्टर पुरी जी की बात, उन्होंने तीन पिलर बोली,
इन्होंने बोले स्टूडेंट पेरेंट्स एज वेल एज ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. मैं इसमें चौथा किला जोड़ना चाहूँगी, भविष्य ऑफ आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों का भविष्य. हमारे बच्चों का भविष्य अगर हम इस वक्त बिल्कुल इसी गोइंग होकर रह जाएंगे कि ठीक है बाद में बच्चे आएंगे हम सिलेबस करा देंगे और पढ़ाने के बाद, या कई बार पेरेंट्स से मैं क्वेश्चन कर रहे हैं पेरेंट्स कि हम बच्चों को भेजें ना स्कूल, दो तीन महीने ना भेजें, महामारी इतनी है, अगर हम उनको नहीं भेजेंगे तो फीस बच जाएगी. मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि स्कूल को फंड्स की जरूरत है, पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बच्चा आने वाले भविष्य का भारत है. उस भारत को हमने बचा कर रखना है और उस भारत को हम सिर्फ इन्हीं तरीकों से बचा सकते हैं कि आज जो टीचर बीएड कर निकल रहे हैं, बीएड कॉलेजेस से निकल रहे हैं, अभी तक क्या था, एक पॉलिसीज थी, चैप्टर्स थे, सिलेबस था, उसके आधार पर वो टीचर बनकर डिग्री लेकर अच्छे परसेंटेज लेकर क्लासरूम में उतर रहे थे और वहाँ लेसन प्लानिंग कर वो पढ़ाना शुरू कर रहे थे. लेकिन अभी काफ़ी नहीं रहेगा, अभी काफ़ी नहीं रहेगा. अब वो बच्चा जो दो महीने तीन महीने से घर पर बैठा है, और कुछ पेरेंट्स फंड्स की कमी होने के कारण शायद बच्चे को जुलाई के महीने में ना भेजे, डर मिथिक बन गया है कि मैं बच्चे को अगर स्कूल भेजूंगा तो मेरा बच्चा महामारी की चपेट में आ जाएगा. यहाँ मैं इस पल चैनल के माध्यम से ये संदेश पेरेंट्स को जरूर देना चाहूंगी, ये वक्त घबराने का नहीं है, ये वक्त जुझारू बनने का है. और जुझारू हम कब रहेंगे, जब बच्चे को मानसिक रूप से हम घर पर तैयार करेंगे कि क्यों सैनिटाइजर यूज करना है, क्यों ग्राउंड में जब खेलने जाए तो क्यों नहीं दूसरे के साथ मिलना. यहाँ मैं स्कूल के ऑनर्स को प्रिंसिपल्स को जो ये संदेश देना चाहूंगी, हमें थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा. हमको आउटडोर अगर उनको भेजना है तो आउटडोर क्लास में पूरे बच्चों को ना भेज के हमें सिर्फ टीम वाइज बच्चों भेजना पड़ेगा. वहाँ से आज हर स्कूल में कैमरास हैं, वहाँ पर उनका टेलीकास्ट हम क्लासरूम में दिखा सकते हैं, क्लासरूम में दिखा सकते हैं. जैसे आपने पूछा क्या हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, उसके साथ ही साथ जब बच्चा क्लास में आएगा वो मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका होगा, क्योंकि अभी देखिए उसका रूटीन बिगड़ गया है, उसका उठने का टाइम नहीं है, उसका सोने का टाइम नहीं है, वो चारों तरफ सबको परिवार में लैपटॉप और मोबाइल यूज करते देख रहा है. तो पेरेंट्स के सामने चुनौती होगी स्कूल खुलने के बाद बच्चे को मना करना कि मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना है. अब वहां उसी के साथ ही साथ टीचर अभी तक क्या करता था कि टीचर ने लेसन प्लान करते थे और लेसन प्लान करके प्रिंसिपल्स चेक कर लेते थे और वो आकर उस टॉपिक को पढ़ा देते थे. लेकिन अब कोई भी पब्लिकेशन, क्योंकि हम ये जानते हैं एनसीईआरटी की बुक्स ने एक सिलेबस तय किया जो क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक रहता है, जो फर्स्ट में अगर बच्चे ने प्लांट पढ़ा तो जूलॉजी में वो ट्वेल्थ में उसका बायोलॉजी का हिस्सा है जो आगे उसके कंपटीशन की तैयारी के काम में आता है. वो आज क्लास फर्स्ट से तैयार करना पड़ेगा टीचर को, ऑनलाइन जाकर उस टॉपिक पर विस्तृत अध्ययन कर जो लेसन प्लानिंग करेगा उस लेसन प्लानिंग के साथ उसको आना पड़ेगा. उसे टीचर, आज के टीचर को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आपको जब क्लास में आएगा तो बच्चा पहले से, आईक्यू तो पहले ही था उसका, लेकिन पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया. पहले उसको पेरेंट्स मोबाइल नहीं देते थे, अब मोबाइल पर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर विभिन्न वीडियो देख रहा है और उसको शायद नॉलेज भी है. और मैं यहाँ इत्तेफाक जरूर रखूंगी आप दोनों से कि आने वाला भविष्य उज्जवल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि फीस नहीं देंगे, बच्चे को दो महीने बैठा लेंगे, फीस नहीं दी तो चलेगा, फीस बचा लेंगे. लेकिन उस फीस बचाने के उसमें जब बच्चे के दो महीने बाद वो जब क्लास में जाएगा तो अडॉप्ट करने में, उसको क्लासरूम का वातावरण अपने अनुरूप बनाने में कम से कम दो महीने और लग जाएंगे, उसमें सेशन चला जाएगा. और साथ ही साथ मैं अपने सहायकों की परिचर्चा में शामिल पुरी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑनर्स ने, जो स्कूल ऑनर्स हैं उन्होंने टीचर्स को पेमेंट देनी है. अगर टीचर्स को सैलरी ही नहीं जाएगी तो उनकी रुचि लेसन प्लानिंग प्रॉपर बनाने में नहीं जाएगी. भूखे पेट तो भजन होता नहीं है, तो भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगी. तो बहुत जरूरी है, यहाँ मेरी बात को अन्यथा ना लिया जाए बिल्कुल भी, कि मैं फीस के लिए बोल रही हूँ ऐसे हालात में, क्योंकि देखिए मोबाइल भी तो चार्ज करा रहे हैं, घर के टीवी भी चार्ज हो रहे हैं और उसके साथ हर वो काम हो रहा है जो हमें करना चाहिए. तो ऐसे में जब हम फीस देंगे
बच्चे को अगर भेजेंगे तो इतना हमारे एक एक दो दो बच्चे हैं, हमारा भविष्य उस पर टिका हुआ है, उनका आईक्यू तो स्ट्रॉन्ग है ही क्योंकि माँ बाप ने इतनी अच्छी परवरिश की है। और आज की माएं जागरूक हैं, जब गर्भ में बच्चा होता है तो बच्चे इतनी अच्छी किताबें पढ़ते हैं कि बच्चे का आज आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ईक्यू कई बार रह जाता है, कमजोर रह जाता है। जो आज टीचर और स्कूल्स इस पर काम कर रहे हैं इमोशनली इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब बहुत जरूरी है एक्यू पर काम करने की, एडेप्टेबिलिटी, जो बच्चा जिस वातावरण में जाए उसने कैसे टीचर को अडेप्ट करना। मैं अक्सर इस बात पर परिचर्चा करती हूँ कि पेरेंट्स के बिना टीचर नहीं, टीचर के बिना स्कूल प्रिंसिपल नहीं, और प्रिंसिपल के बिना स्कूल नहीं, और स्कूल के बिना समाज नहीं। अगर हम अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो हम सबको मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर इस वक्त बच्चे की मानसिक स्थिति को सोचना पड़ेगा। एक मैं चीज बीच में ऐड करना चाहता हूं कि देखिए इस समय ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, स्कूल अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम लोग मेरे पास सहमत होंगे कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि क्लास में जब बच्चा हमारे सामने आकर बैठता है, बतौर टीचर होने के नाते मैंने पिछले 32 सालों के अनुभव से ये सीखा है, बच्चा जब हमारे सामने आकर बैठता है तो उसका चेहरा हमें बता देता है कि वो दुख में है, सुख में है, पढ़ने में है, डिस्टर्ब है, पढ़ाई में अच्छा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली चीज तो हम मतलब के क्लासरूम में जो भी क्लासरूम टीचिंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये होती है कि हमारी एक इमोशनल बॉन्डिंग हो रही है बच्चे के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जिंदगी में नहीं सिखा सकते। बिल्कुल, वो क्लास में बच्चा, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है। उस समय टीचर ही उनको समझाता है कि भैया बैठे हुए नाक में उंगली नहीं डालनी, कान में उंगली डालनी, ऐसे नहीं करना, किसी को छेड़ना नहीं, शरारत नहीं करनी। जो घर से बाहर का एक बच्चे का बिहेवियर है उसको नियंत्रित करना, उसको सिखाना, ये तमाम ड्यूटी टीचर की है। और क्लासरूम टीचिंग का पूरी दुनिया भर में हमसे ज्यादा एडवांस देशों में भी आज भी क्लासरूम टीचिंग चल रही है, जहां पर जो देश हमसे 10-10 15-15 20-20 साल ही नहीं 50 साल आगे वाले देश भी हैं, वहां पे भी आज भी क्लासरूम टीचिंग होती है। क्योंकि जब टीचर और बच्चा आमने सामने बैठता है, उनके बीच में जो एक अलायंस होता है, एक संबंध बनता है, उस संबंध का मुकाबला जिंदगी में फिर कभी किसी चीज से नहीं हो सकता है। और माँ बाप जो है वो बच्चों का पालन पोषण उतने बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातों के लिए मैंने देखा है कि माँ बाप का बच्चे कहना नहीं मानते हैं, वो टीचर का कहना मानते हैं, वो आदर्श होते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये संकट जल्दी जल्दी दूर हो, ताकि हम अपने बच्चे और हमारे बच्चे हम आमने सामने बैठकर उनसे बातचीत कर पाए। यहाँ मैं पुरी जी बीच में थोड़ा सा समय और दूंगी। अगर जब हम कहते हैं कि पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये परेशानी भी कोई हमें कुछ सिखाने आई है। जब किसी चीज का रिवॉल्यूशन होता है तो वो चीज खत्म होती ही होती है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम था, पुराना एजुकेशन सिस्टम था। हो सकता है हम टीचर कई बार हम पर प्रेशर पड़ता था ऐसे नहीं ऐसे करना, तो हम मिथ्या मान लेते थे कि ये तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रही हूँ सालों से, मुझे ऐसे कर। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी आई है उससे टीचर्स की टीचिंग रिफाइंड होने वाली है। और जो हमारा आने वाला भारत है, मुझे मेकाले का मेकाले याद आता है, मेकाले ने 1600 शताब्दी में जब अंग्रेज आए, 1600 से 16 सेंचुरी में जब अंग्रेज आए, तो मेकाले ने कहा भारत को जीतना बहुत मुश्किल है, अगर इसको हराना है, इस पर कब्जा करना है, तो इसका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो। और वही हुआ। लेकिन अब भारत ऋषियों की भूमि है, भारत ऋषि जो है वो टीचर बन के क्लासरूम में बैठे हैं। तो इसलिए मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि इस चेंज को हमें दिल से स्वीकार करना। बल्कि जो विद्यार्थी समय सुन रहे हैं वो भी याद रखें, बहुत सारे पेरेंट्स और लोगों के हैं, कि बतौर मनोवैज्ञानिक मैं कहना चाहता हूँ, अपने बाहें फैलाइएगा और नए चेंजेस को स्वीकार करने के लिए लीजिएगा। बच्चे तो स्वीकार करें, पेरेंट्स भी स्वीकार करें, पेरेंट्स और टीचर की जरूरत है, जरूरत है। क्योंकि वो
गवर्नमेंट में तो 1983 से लेके 90 तक जो भर्ती हुई है वो लोग अब रिटायरमेंट के वर्ष में बैठे, और वो लोग इस चीज को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, जो डिजिटल इंडिया है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए एक चुनौती है, उनको ये स्वीकार करना होगा, करना चाहिए, अगर रिटायरमेंट के बाद को एजुकेशन पे बोल ही देना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो रिटायरमेंट के आसपास थे और वो कह रहे थे ये कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, सब बकवास है। मैंने देखा कि अब वो ही बेचारे घरों में बैठकर अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पुरी ये उनके लिए ईश्वर का ब्लेसिंग है, वरदान है, क्योंकि क्या है, जब वो रिटायर होके जाएंगे तो वो एजुकेशन से विमुख नहीं होंगे, वो एजुकेशन धारा में जुड़े रहेंगे। लेकिन क्लासरूम टीचिंग का आज कोई विकल्प नहीं है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जमाना है, पुराना टाइम जो था अलग था कि तू पढ़ और मैं सुनूं, वो बात अब गई। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्लासरूम टीचिंग बड़ी जरूरी है। एक क्लास में 35 स्टूडेंट अगर हैं तो 30 बच्चों का आईक्यू डिफर है। क्यों डॉक्टर पुरी? अच्छा, किताब तो पढ़ाती नहीं ना, किताब नहीं पढ़ाती, किताब से अगर पढ़ता तो किताब तो दे रहे, टीचर दे रहे, पेरेंट्स दे रहे, घर में पढ़ ले, किताब नहीं पढ़ाती। टीचर जो है उसको एलोबरेट करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़ता है, बच्चा तभी वो क्या, जब क्लास में एक टीचर बोल रहा होता है तो वो टीचर नहीं बोल रहा होता है, उसका साथ, उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है, जो उसके टीचर रहे हुए होते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर से वो भी बोल रहे होते हैं, किताबें भी बोल रही होती हैं, उसका ज्ञान भी बोल रहा होता है, और जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं उनका जो कैलिबर है, उनकी जो आंखें हैं चमचमाती हुई, जो उस समय उसके टीचर को देख रही होती हैं, वो भी टीचर को बहुत कुछ सिखा रही है। बहुत सिख, और टीचर एवरी डे टीचर्स आर लर्निंग इन क्लासेस, बिकॉज़ उनकी लैब तो क्लासरूम है। मैं ये नहीं मानूंगी कि टीचर परफेक्ट है, हम कभी परफेक्ट नहीं है, हम तो रोज बच्चों के साथ कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, और बच्चा तो अपने आप में लेबोरेटरी है, तो इस लेबोरेटरी को घर तक ना रखिए, टीचर कोऑर्डिनेट करता है ना घटनाओं को, क्योंकि परेशानी घटना को कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करने से बच्चा जो है उसको जल्दी पकड़ जाता है। परेशानी जरूर आई है, देखिए स्थिति कोविड-19 तो, लेकिन ये सिखा कर जाना है इसने, इसने सिखा के, और भारत का तो देखिए, हमारे तो एंशियंट समय से, प्राचीन समय से जो आज कहते हैं हाथ धोना, हम लोगों के परिवारों में वैसे ही था, जूते लेके घर में नहीं जाना पहले से ही था, हमारे पहले पहले से ही था कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हो कपड़े पहन के अपने घर में नहीं आना, ये कोई नई चीजें नहीं, जो चीजें लागू कर रहे हैं ये हिंदू माइथोलॉजी में बहुत पहले से, हाथ ना मिलाना, हाथ जोड़ना, राम राम करना, नमस्ते करना, घर में जूते लेके ना जाना, नीचे बैठे खाना, सारी बातें तो है, हम तो हमारे कल्चर में रची बसी हैं, लेकिन कहीं हम आधुनिकता में, हमने मानसिक रूप से आधुनिक होना है, हमने पहनावे से आधुनिक नहीं होना। कई बार हम क्या है, पहनावे को आधुनिकता मान लेते हैं, हमें बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा कि वास्तव में वैश्वीकरण क्या है, क्या है ग्लोबलाइजेशन, हमें बच्चों के दिमाग बेटर एजुकेशन देने के लिए पीपीटीज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म्स के थ्रू उनके लिए टेस्ट बनाना, बहुत कुछ सीखा मैंने इन दिनों, और मैं सभी टीचर्स से ये गुजारिश करूंगी, जो भी आज के टाइम में आप भी कुछ नया सीखिए जो कि आपके कल को भी बेहतर बनाएगा और आपके स्टूडेंट्स के कल को बेहतर तो बनाएगा। अब मैं जानना चाहूंगी कि मोबाइल का क्या रोल रहा इस सारे, हम सब जानते हैं कि अब मोबाइल स्टडी ही हो रही है, लेकिन पोस्ट कोविड बच्चों को आदत पड़ जाएगी मोबाइल्स की, और पेरेंट्स को भी लगेगा कि शायद बच्चा पढ़ रहा। अल्टीमेटली अगर उसने दादी के बारे में पूछा तो बच्चे ने जाके वो कोई एक जो है वो फैमिली हिस्ट्री जो लिख रही थी, क्लास रूम टीचर ने दिया कि आप अपने फैमिली ट्री जो है उसके बारे में लिख के जाओगे, उसमें लिखा कि नो वन इज बोर्न नेचुरली इन आवर होम। तो ये देखो, इस चीज के बारे में टीचर को, पेरेंट्स को ये अडेप्ट करना ही पड़ेगा, और बच्चे को और खुद को मोल्ड होना पड़ेगा, माहौल के हिसाब से ढलना। आज बच्चे ऐसे ढेर पर बैठे हैं जो एक्सप्लोसिव ढेर पर बैठे हैं, अगर हम उनको मेंटली ट्रेन नहीं करेंगे, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, उन पे लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत जरूरी है उनको मेंटली ट्रेन करना, क्या सही है क्या गलत है उसमें वो विचार करना, उनको हकीकत बता के और उसको मोल्ड करना पड़ेगा कि ये जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको बताया। तो आज हमने जाना कि किस तरह पोस्ट कोविड हम एजुकेशन और सिस्टम के अंदर चेंजेस लाकर हमारे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
तो कोविड की महामारी तो हमारे साथ चल ही रही है और हमें अब इसके साथ जीना सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर मेजर्स इसके लिए हमें नहीं मिल जाते तब तक हमें इसके साथ ही जीना होगा और हमें सीखना होगा कि किस तरह से हम इसके साथ जी सकते हैं और बच्चों को भी सिखाना होगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो भी आज हमारे साथ यहाँ शामिल हुए इस सारी बातचीत के अंदर, और मैं पल पल न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद।